السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कई लोग फायदे के लिए चाटुकारी हो जाती है, कई लोग जो है सो अपना फायदा देखते हैं और फटाफट 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 चाटने लग जाते हैं, मक्खन मारने लग जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। कई लोग चाटते हैं, मक्खन लगाते हैं, अपना फायदा जितना भी जहां से भी अपना फायदा हो सकता है वो फायदा लेने के लिए फटाफट आते हैं, फटाफट जो है जल्दी जल्दी फायदे के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर पे बिठाते हैं। जैसे ही फायदा हटा, भाई मेरा व्हाट्सएप थोड़ी देर के वास्ते बंद करा, मैं जरा एक दो तीन दिन की सुकून से अच्छी नहीं लूंगा बोल के, लेकिन लोगों की फिक्र जो है सो सोने नहीं देती है। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। ईवीएम तो किसी के बाप से हटने वाली नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो जाए या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो जाए। चंद्रबाबू नायडू और 21 और दूसरी पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिए, हर चीज करके देख लिए। इलेक्शन कमीशन ना उनकी सुनने वाला है ना उनकी देखने वाला है। ये सारी चीज बैठ के तमाशा हुआ। मैंने भी बहुत सारी कोशिश की, इनफैक्ट 174 पे उनको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब हो गए। और ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक हुई है, बहुत बुरी तरह से हैक हुई है। कोई भी बैठ के वहां पे साबित कर नहीं पाएगा, कोई भी वहां पे साबित कर नहीं पाएगा। और लेकिन मैं अभी गया नहीं हूं, आई एम स्टिल हियर। तुम लोग जितना भी बकवास करना है, गाली देना है, तो मैं चैट थोड़ा डिसेबल करता हूँ यहां से। तुम लोग कंटिन्यू रहो, इट्स ओके, ठीक है, कंटिन्यू रहो, लेकिन आई एम नॉट गोना लुक इनटू द चैट। लेट मी स्पीक विद दोज हु आर स्टिल देयर। ठीक है, वो लोग जो अभी भी मौजूद हैं, कई लोग आए, कई लोग नजदीक का फायदा देख के खटाखट 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 बहुत सारे लोग आए। बहुत सारे वीडियोस भी देखे मैंने जो गाली गलौज, एल फैल, बकवास, सारी बकवास कर ली। ओके, फेयर इनफ। तुम लोगों की बकवास करने से या तुम लोगों की गाली देने से या पहले प्रशंसा करके अब गाली देने से कोई चीजें बदली नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि हम जो सोच के निकले थे वो हुआ नहीं, हम जो सोच के निकले थे वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, हम जो करने के लिए निकले थे वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिरे। लेकिन वो एक शेर है ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हम तो मैदान जंग में आज भी मौजूद है और ये जारी रहेगा। तो जितने बेवकूफ वहां बैठ के गाली गलौज, एल फैल, सारे जितना भी बोल रहे हैं बोलो, तुम्हारे बोलने से, मैंने सुबह भी कहा था कि मेरे सींग नहीं निकलने वाले, मेरा एक और सर नहीं निकलने वाला और मेरे दो चार हाथ निकलने वाले नहीं है। मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, बीजेपी भी अच्छी तरह से जानते हैं, वो ईवीएम की वजह से जीते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग, ईवीएम की वजह से जीते हैं। तो वो ढिंडोरा पीच रहे हैं 300, 350, 400 का, पीटने दो, कोई नहीं, पीटने दो। अगर उनके पास है तो हमारे पास भी है, मेरे पास भी है, तो उनका पीटना पीटने दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, जब मैं इंडिया वापस आऊंगा, आई एम गोना बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिमेंबर दिस। पहले भी बोला था, आज 24 तारीख, तो तुम लोग भी सुन लो, व्हेन आई एम कमिंग बैक टू इंडिया आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिमेंबर दिस, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट, आई एम इन फैक्ट नाउ। मेरा इरादा और बहुत ही ज्यादा पुख्ता हो गया है कि मैं जब इंडिया वापस आऊंगा इंशाल्लाह, तो आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यू नो, फॉरगेट अबाउट मोदी, राहुल गांधी। मोदी ने एक अच्छा काम किया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल, नेशनल, जितनी भी थी, सबका सफाया हो गया, सबका सफाया हो गया। जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है, जो दूसरी दूसरी पार्टियों से जितने कार्यकर्ता रोड के ऊपर गली गली दरवाजा दरवाजा जाके काम कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि किसको वोट गया है, किसको वोट नहीं गया है। तो मोदी आज जीता है तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से। भाजपा तो पहले खत्म हो गई थी, आज जो मोदी जीता है वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से जीता है। तो ये चीज से ना तुम लोग भाग सकते हो, ना मैं भागूंगा, ठीक है। मैं भी यहीं पे हूँ, मोदी वहां पे 5 साल बैठने वाला है, लेकिन आने वाला वक्त अच्छा नहीं है, ठीक है। आने वाला वक्त उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो बड़ी बड़ी चाटुकारी की
मेरे साथ स्पेशली जो लोग मेरे साथ बैठ के वहां पे चाटुकारी करें, हर टाइम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही अब मुंह के बल गिरे तो मैं गिरा तो मेरे साथ वो गिरने से पहले ही मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, तो उनसे तो खैर मैं निपटूंगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर बता देता हूं, मैं इंडिया आऊंगा तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आऊंगा, ठीक है। अब इंडिया में जितने लोग मोदी मोदी गा रहे हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था, हिंदुस्तान की कौम या हिंदुस्तान की आवाम भेड़ों की तरह है, एक भेड़ जहां निकली सारे उसके साथ निकल जाते हैं, तो वो भेड़ों की चाल तो अभी लोग चलना शुरू कर दिए हैं, जो गिरे पहली फुर्सत में पलट के जो है सो अरे इसने ढकेला चल रहा है, तो भाई अच्छा हुआ, जो भी हुआ हमने हमारी पूरी कोशिश की, नाकामयाब रह गए 70 लोग 71 लोग मिल गए, पूरी एक सिस्टम से एक पावर से टकरा गए, फिर भी हमारे में इतनी हिम्मत है, मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं वापस आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और तुम लोग गाली दे रहे हो तो तुम्हारी गालियां सुन रहा भी हूँ, तो गालियां दे लो ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल फिर वापस आऊंगा। लेकिन मैं ये बताने के लिए आया था, कुछ वीडियो सभी अभी सुने तो बड़ी हैरत हुई है, जो बंदे भाई 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 देख लेना भाई ये करना भाई ये जो भाई भाई कर रहे थे वो आज जो है सो पलट के ये कह रहे हैं कि ही इज अ फ्रॉड, ही इज दिस, ही इज दैट। ओके फेयर एनफ, गॉट योर पॉइंट, पीरियड। नाउ आई डोंट वांट एनी ऑफ दोस, जो भी गिरने के बाद में पहली फुर्सत में भाग रहा है ना, भाग रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अब दोबारा आने की गुंजाइश भी नहीं है। अच्छा हुआ ऐसे कई निकले जो गाली दे रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ ऐसे कई निकले जो गाली दे रहे हैं, पूरा जो कचरा आ गया था हमारे पास, पूरा जो कचरा कहां पे बन रहा है, जितना भी कचरा आया था बहुत सारे लोग जुड़े थे, एकदम लाखों की तादाद में लोग जुड़े थे, लाखों की तादाद में लोग गुजरे थे, लाखों में से अब कुछ रह गए हैं, जो कुछ रह गए हैं इंशाल्लाह वो कुछ तो हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन जो लाखों की तादाद में कचरा आया था वो साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखो, ईवीएम तो हटेगी और बहुत जल्दी हटाने का इंतजाम करूंगा, और ईवीएम हटने के बाद में इनके पास पैसा जरूर है, इनके पास इतना पैसा है कि हर वोट को 10,000-15,000 में भी खरीदने की इनकी इनके पास सलाहियत है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है हजारों करोड़ का, है कुछ है जो भी हमारी मेहनत का है हमने लगा दिया था, आगे फिर और मेहनत करेंगे हम अपना और बना लेंगे, और जो भी वहां पे बैठ के बकवास कर रहे हैं, अभी रुको, आई एम नॉट डन येट, ओ नो प्लीज प्लीज आई एम नॉट डन येट, मेरी बीवी वहां ठहर के हंस रही है, आई एम नॉट डन येट, सो थैंक यू फॉर दोस हु हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू मी टू द कॉज, I'm really thankful from the bottom of my heart. जो जो भी डांडिया जैसे त्रिपाठी चौपाटी जैसे लोग जो भागे हैं, गिरते ही भागे थर 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 करके, तो वो लोगों से मुझे एक अच्छी सीख मिल गई कि पूरा कचरा साफ हो गया, अब जो जुड़े हुए हैं वो लोगों को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ, जो जुड़ेंगे वो लोग हमारे साथ हमारी कोर टीम का हिस्सा होंगे, आगे उन लोगों को बहुत सारी चीजें देखना भी है, बहुत सारी चीजें झेलना भी है, तो जो मुसलमान है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैंने जो दावे किए थे, मैंने मेहनत के ऊपर अपनी लिखाई पे अपनी पढ़ाई पे, यानी अगर आप पढ़ लिख कर एग्जाम लिखने जाते हो तो आपको पता है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, आप जब पढ़ते हैं लिखते हैं अपना जहन लगा के पूरी मेहनत के साथ जब अब आप एग्जाम लिखते हो तो आपको पता है कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है, आप क्योंकि आप लिख के आए हो आपको पता है, अब जब फेल हो गए तो जानबूझकर अगर कोई फेल कर देता है तो अलग शक्ल है, उनके पास पूरा सिस्टम था भाई, उनके पास पूरा सिस्टम था, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ ईवीएम मिल रहे थे, किसी का कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी, जो लोग ठहरे सातवें चरण के बाद में वो लोग ठहरे, मैं आप कोई कहा किसी किस्म का बहाना नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा, और हाँ अभी अभी रमजान चल रहा है तो मैं ना गाली देना चाहता हूँ ना कुछ और करना चाहता हूँ, तो बीजेर फॉर सिर्फ ईवीएम की वजह से जीती है, जो नंबर उनका पहले चरण से आ रहा था, हमारी कहां चूक हुई है, इंशाल्लाह ये 6-7 दिन बैठ के उसका पूरी तरह से जायजा लेंगे, एंड वी विल कम बैक, आई विल कम बैक, एंड व्हेन आई कम बैक विद अ बिग बैंग, तो भाई जो जो वहां बैठ के मेरे पर यहाँ कस रहे हो ना बेटा, तुम लोग कसो, तुम्हारा अब फंदा मेरे हाथ में है, ये देख रहो ये फंदा जैसे पकड़ के खींचते है ना, मैं अभी गया नहीं हूं यहीं पे हूं,
और उखाड़ो बोले वो तड़ी पार कोई 5,90,000 की लीड से जीता है। अबे वो इतनी बुरी तरह से हारा था, 5,00,000-6,00,000 की लीड से जीता, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। जो लोग झूठ का सहारा लेके वहां पे जीते 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 कर रहे हैं ना, उनकी औकात इतनी भी नहीं थी कि 80 सीट भी अपने बराबर जीत के आए। सारा मुल्क उनके खिलाफ वोट डाला था। आज कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भेड़ों की चाल है हमारी। हमारी क्या है? भेड़ों की चाल है। एक जान जुड़ गया तो मोदी मोदी मोदी, अरे वो डांस कर रहा है, वो वोट नहीं डाला तभी भी वो जाके डांस करेगा, ओ बड़ी 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 बड़ी, क्या मोदी जीत गया भाई, मोदी जीत गया। अरे तुम्हारी बेवकूफ, अरे नामर्द की भी हद है। जिसने वोट नहीं डाला वो आके बोलने की हिम्मत नहीं रखता। क्यों? क्योंकि तुम लोग सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकते, तुम लोग सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकते। लेकिन सिस्टम को लड़ाने के लिए जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास हौसला होता है, वो ही ठहर सकता है, वो ही ठहर सकता है। 1857 से 1947 को क्या कहते हैं, 1857 से लड़ाना शुरू करे तो 1947 में आजादी मिली। 90 साल तक लड़े, 200 साल तक गुलामी करे, जो भी करे, हम तो 2 महीना 2.5 महीना 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं। 4 साल में अकेला मेहनत कर रहा हूं, 1 साल में जो लोग जुड़े 100 में से 90 बेईमान निकले, 10 जो जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जुड़े हुए हैं, तो 10 जो जुड़े हुए हैं वो आज जुड़े हुए हैं। और तुम लोग यहाँ पे बैठ के जितने भी बकवास कर रहे हो, वो हकीकत बताऊं तो बीजेपी इतनी नहीं जीती कि उनके पास जो है 80-85 सीट भी नहीं थे, अब 300-350-360 के पास पड़े हुए हैं। खैर कोई नहीं, और भाई मुझे जेल में डालना इतना आसान नहीं है, उखाड़ो है, तुम लोग जितने भी बोल रहे हो ना जेल में डालना है, जेल में डालना मेरा इतना आसान नहीं है, समझे? जेल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे आके जो है सब बात करने की सलाहियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन वालों के पास अगर दम है तो मैं अपनी ईवीएम लाता हूँ, वो उनकी ईवीएम लाए, उनकी ईवीएम है वो भी, लेकिन ईवीएम रखते हैं, हैकिंग खेलते हैं। उनके पास अगर दम है तो वो ले आए, है दम तो वो ले आए, नहीं है तो बकवास करें, ठीक है? वो जितना बोलना है बोले। जब 22 पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स निकल के जो है सो सुप्रीम कोर्ट से बैलेट का जो है सो परमिशन नहीं निकाल पाए, तो तुम लोग सारे वो 22 के 22 आज हार मान के हिजड़ों की तरह वहां बैठे हुए हैं, धरना देते हुए कि ईवीएम की वजह से आ रहा। तुम लोग बोलो ईवीएम की वजह से आ रहे, प्रूफ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम उनका है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, इंस्टीट्यूशन उनकी है। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा इंशाल्लाह, और मैं इसको लेके अभी खामोश नहीं हुआ हूं। ईवीएम के सहारे वो जीतते जा रहे हैं, उनको जीतने दो, मैं अपना काम करता रहूंगा और मैं रोज आऊंगा। और जितने लोग वहां पे बैठ के बकवास कर रहे हैं ना, जितने लोग वहां पे बैठ के बकवास कर रहे हैं वो लोग बकवास करते रहे, जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह जितना भी वक्त लगे, लेकिन जब मैं इंडिया आ रहा हूँ तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ रहा हूँ। और ईवीएम हटा के अगर बैलेट के ऊपर बिना पैसे के चुनाव आयोग ये कर दे के अगले 3 दिन तक कोई भी बड़ा रकम नहीं निकलेगा, कोई भी बड़ी रकम नहीं निकलेगी, 3 दिन के अंदर जो सो चुनाव कराओ, चुनाव का करा के है दम तो पूरे 10 दिन लगने दो, 15 दिन लगने दो, वोटिंग काउंट करो, कैमरे के सामने बैठ के काउंट करो, काउंट करके जो सो देख लो कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। उनके पास इतना दम नहीं था, अगर इनके पास इतना ही मैंडेट का गौर था, दम था, तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं मोदी को, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं मोदी को। अगर उसके पास इतना ही दम है तो फिर से चुनाव करवाए, भले ही वो चुनाव बस नाम के लिए करवाए, लेकिन करवाए, फिर से चुनाव करवाए, और करवा के बैलेट के ऊपर पेपर के ऊपर वोट डलेगा, उसके बाद में वोट डलने के बाद में बैलेट पेपर ऑन कैमरा लाइव बैठ के पूरी गिनती कराए, एक-एक लाइव बताए बैलेट के ऊपर करवाए, या नहीं तो पूरी ईवीएम के वीवीपैट की गिनती करवा ले। भाई तुम्हारे पास है अगर दम, तुम तो अब जीत गए ना, बैठो ईवीएम के वीवीपैट की पूरी 100% गिनती कराओ, देख लो है तुम्हारे पास पिछवाड़े में दम नहीं है। तुम लोग डरपोक लोग, अगर तुम्हारे पास अगर रहता दम तो ईवीएम हटाते, इतना सवाल हो रहा है ईवीएम पे, हटाते। जब अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता, इंडिया इतना
बस्त हो गया है। देखो हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री गैर कानूनी प्रधानमंत्री रडार की टेक्नोलॉजी नासा से अच्छे जानते हैं, तो ऐसे लोग बैठ के वहां पे ईवीएम ईवीएम करते रहेंगे, लेकिन अगर तुम उनमें जरी भी होती तो वो लोग आके पूरा 100% काउंट कर लो बोल के छोड़ते थे, लेकिन वो तो है नहीं उनके पास दम। तो जितना भी यहाँ मेरे को बोलने वाले, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, अभी बनूंगा इंशाल्लाह बनूंगा, लेकिन अभी बना नहीं। जो बना हुआ है उसके पास इतना दम नहीं है कि एक आके मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन क्वेश्चन ले सके, उतना दम तो है नहीं। तो तुम लोग वहां बैठ के बकवास करते रहो, बकवास करते रहो, बकवास करते रहो, और जो जो भी बकवास कर रहे हो तुम लोग बकवास कर सकते हो, तुम लोग बकवास कर सकते हो, बकवास करो। और जितने भी बकवास कर रहे हैं उनसे मैं फिर कह रहा हूं, मैं अभी कहीं नहीं गया, आई एम स्टिल हियर। वो लोगों को उनका करने दो, मैं 7-8 दिन बैठ के अपना देखूंगा हुआ क्या था, लेकिन जब मालूम हुआ ये हुआ था तो आई एम कमिंग बैक एंड आई एम कमिंग बैक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लो टू द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू नो इलीगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रादर सेइंग इलीगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट अ लीगल गवर्नमेंट। तुम्हारे साथ मजाक हुआ है, तुम लोग मजाक का मजा लो, तुम लोग मजाक का मजा लो। हमने तो पूरी मेहनत की थी, कोशिश की थी, चलो शायद अरब को यही मंजूर था कि हम बेईमानी से कोई कुछ काम ना करें, हम ईमानदारी से अब बैलेट के ऊपर आएंगे भाई। और बता दे रहा हूं मेरे साथ जितने जोड़े थे, कचरा जितना भी था पूरा साफ हो गया, पूरा कचरा साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान मानता हूं कि जितना कचरा जोड़ा था सब साफ हो गया, एक 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 करके सब ऐसा ढेर हो गए। लेकिन जो अभी भी पुख्ता ईमान के साथ बैठे हुए ना हमारे साथ, वो तो अभी भी जैसे के वैसे टस से मस नहीं हुआ, वो होता है ये। आई एम प्राउड ऑफ देम, दोज हु आर स्टिल विद अस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। हाँ मेरी तरह वोकल नहीं होंगे वो लोग, लेकिन आई एम स्टिल वोकल, आई एम गोना बी स्टिल। मैं मोदी की बजाने के लिए अभी बैठा हूं, ईवीएम की बजाने के लिए अभी बैठा हूं, तो साला तुम्हारी माँ की बहन की जितनों की गाली दे रहे हो ना तुम लोग, वो फोड़ने के लिए बैठा। और जितने मोदी भक्त गाली दे रहे हैं ना, बेटा तुम लोग गाली क्यों दे रहे हो, तुम्हारा मोदी आ गया ना, 5 साल तक बैठो तुम लोग, अब मोदी की जय जयकार करो, मैं मोदी की फोड़ फोड़ करता हूँ, 3 टाइम फोड़ूंगा बेटा, मोदी की भी फोड़ूंगा और ईवीएम का भी बताऊंगा, ठीक है 3 टाइम फोड़ूंगा। और जो जो बोल रहे हो ना, जरा सब्र रखो बेटा, अभी गया नहीं मैं यहीं पे हूँ, समझे, अभी गया नहीं मैं यहीं पे हूँ, I'm still here. So I'm coming back. And I promise you this. EVM. But you're addressing to your future prime minister. Remember, you are abusing your future prime minister. So, yeah, look at this. Mera chehra aur se dekh lo. I'm not going anywhere. I'm going to come back to India and I will be the prime minister of India. So, मजे लो जब तक, जितना भी awesome joke था ना, right, I know, but I'm gonna be the future prime minister of India, I am gonna be the prime minister of India, क्योंकि किसी में इतनी सलाहियत नहीं है, जितने बड़े बड़े बातें वादे करके जितने आए ना, शुजा भाई करके, oh my goodness, इतनी हंसी आ रही है मेरे को, जब उनके बारे में मैं अपनी राय रख रहा था तब मुझे एहसास हो गया था, ओ भाई ये लोग जैसे ही थोड़ा हिलेगा ये लोग पलट के गाली देंगे, तो अच्छा हुआ ये लोग पलट के गाली दे दिया, मुझे खुशी हुई इस बात की कि ये लोग पलट के गाली दे दिए। और भाई अभी यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है आ रहा हूँ। और जिन जिन को डेमो देखना है, इलेक्शन कमीशन को इनवाइट करो, आई गिव अ ओपन फकिंग चैलेंज टू इलेक्शन कमीशन, कम विथ योर ईवीएम, सिट डाउन, लेट्स डू अ ईवीएम हैकिंग डेमो, ठीक है। I won't open it. I don't need to open it. Do this. वहां पे रखो, लगाओ और वोट डालो, मैं उसका नतीजा बदल के बताता हूं। यहां पे आने की भी तुम्हारे में हिम्मत नहीं है ना, तो वहां पे रखो लगाओ, मैं उसका जो है सो नतीजा बदल के बताता हूं। तो अगर ये कर सकते हो, देखो जिन जिन का दिल टूटा है अपना दिल वापस जोड़ लो, क्योंकि हम अब सरकार में आने वाले हैं, और जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी आ जाओ, ठीक है, हम सरकार बनाने वाले हैं भाई, और पूरी तरह से ईमानदारी वाली सरकार में बैलेट के ऊपर आएंगे, ठीक है। कांग्रेस नहीं है, हमारा हिसाब किताब बहुत अच्छा है, कांग्रेस नहीं है, आएंगे इंशाल्लाह। चलो खैर है,
अल्लाह खैर का मामला रखे, बहुत सारे कॉल्स फिर वापस आना शुरू हो गए, तो आई बी बैक सून, ओके, वेट फॉर इट, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, वेट फॉर इट, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई स्टिक टू माय वर्ड्स, ओके, व्हेन आई से आई स्टिक टू माय वर्ड्स, तो बेहतर है तुम लोग वहां पे आराम से बैठो, जितने लोग गाली देना है रमजान के दौरान दे लो, जितने लोग गाली देना है रमजान के दौरान दे लो, ताकि हमसे जो जाने अनजाने गुनाह हुए वो भी थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, क्या होगा, बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरुआत है, 1826 डेज टू गो, ओके, फॉर दिस इलीगल गवर्नमेंट टू रन इन इंडिया, दे हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट एंड आई हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट एट द सेम टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है, चलो मिलते हैं, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप सूरज के टच शिला कॉम्प्लेक्स